नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग एनसीईआरटी के सेक्शन में भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व में कई लेक्चर आप लोगों को अभी तक उपलब्ध कराया जा चुका है और आज के इस लेक्चर में हम लोग अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण इत्यादि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यानी कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी की, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसके क्या आयाम हैं, उसमें क्या समस्याएँ हैं, और साथ में ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये वैश्वीकरण की अवधारणा किस तरीके से जुड़ी हुई है। तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, यह विश्व से संबंधित अवधारणा है। यानी कि पूरी दुनिया के अलग अलग स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने, एक दूसरे के नज़दीक लाने और पूरे विश्व के आकार को जो है ग्लोबल विलेज में जो है बदलने की अवधारणा से ये जो है संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से पूरी दुनिया के देश और उसकी अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है और बीच के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को समाप्त कर दिया जाए। यह प्रक्रिया जो है वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण के कुछ आधार स्तंभ हैं जिनके द्वारा जो है इस वैश्वीकरण की अवधारणा को और अच्छी तरीके से स्पष्ट किए जाना संभव हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर इसकी परिभाषा या अर्थ को देखने का प्रयास किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक ऐसी, विशेष करके ये आर्थिक जो है अवधारणा से जुड़ा हुआ है, तो वैश्वीकरण आर्थिक जो है प्रक्रियाओं को संपन्न करने के संदर्भ में एक ऐसी जो है गतिविधि है जिसके द्वारा पूरी दुनिया के जो है देशों को, अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के नज़दीक लाने का प्रयास किया गया है ताकि व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, यौमिंग के मार्ग में उत्पन्न होने वाले जो भी बाधाएं हैं उसको दूर किया जा सके। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था का जो है एक दूसरे से जुड़ाव ही वैश्वीकरण की जो है परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब इसमें कुछ आधार स्तंभ है जिसे हम देख लेना उचित समझते हैं। मानव, श्रम, पूंजी और वस्तु। अगर हम वैश्वीकरण के अंतर्गत देखें तो ये चार फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया, अभी वस्तु से संबंधित इसमें सेवाएं भी आ सकती हैं, वस्तु एंड सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो वैश्वीकरण के अंतर्गत जो है जो गतिविधियां संपन्न होती वो इन विषयों पर चलती हैं। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करते हैं, जैसे हमारे यहाँ से अक्सर ये बात होती है, वीजा की बात होती है, तो गल्फ जो कंट्री हैं, खाड़ी के देश हैं, वहाँ पर हमारे देश से काफ़ी कुछ लोग काम करने के लिए जो है जाते हैं। अब कहने का तात्पर्य है कि ग्लोबलाइजेशन अगर ना होता तो यहाँ के लोग वहाँ कैसे जा सकते थे, वहाँ के जो भी काम है यहाँ के लोगों को कैसे दिए जा सकते, और इससे आने जाने से संबंधित जो दोनों देशों के नियम हैं वो कैसे बनाए जाते। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है। तो मानव वहाँ पर जाते हैं, अब वहाँ पर जाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? हो सकता है वो फैक्ट्री में काम करें, हो सकता है वो इंजीनियर हो, या हो सकता है वो वहाँ के रेस्टोरेंट में जो है काम करते हों, या इसी तरीके से घरेलू सेवाएं देते हों। तो अलग अलग प्रकार के जो है कार्य हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है श्रम भी इसमें प्रवाहित होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और वहाँ जाता है और वहाँ जा करके जो है वो अपने उद्देश्यों को पूरा करता है और वहाँ से धनार्जन भी करता है। पूंजी, अगर कोई भी जो है मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई भी औद्योगिक जो है घराना है, अगर किसी दूसरे देश में जाता है तो अपने साथ में जो है पूंजी भी लेकर के जाता है। अभी इसमें पूंजी एंड जो है तकनीक भी इसमें जोड़ा जा सकता है, पूंजी यौन जो है तकनीक। तो इसमें पूंजी और तकनीक का भी जो है प्रवाह होता है एक देश से दूसरे देश में। जब कोई इकाई जो है जाके वहां स्थापित होती है तो उस देश में उत्पादन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वह पूर्व में जो है अपने पास संचित जो है पूंजी और तकनीक को भी लेकर के जाती है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। अब इन सारी जो है गतिविधियों के बाद जो है वस्तु एवं जो है सेवा, ये जो वस्तु एवं सेवा का उत्पादन होता है, वस्तु का जो उत्पादन होता है और जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं, इनका अबाधित रूप से दुनिया के विभिन्न देशों तक जाने को ही ग्लोबलाइजेशन मुख्य रूप से माना जाता है। तो इसमें वस्तु और सेवाएं भी जो है आसानी से दूसरे देशों में जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो वैश्वीकरण एक ऐसी
आर्थिक जो है गतिविधि है जिसके अंतर्गत मानव श्रम पूंजी वस्तु एवं सेवा तथा तकनीक का एक स्थान से दुनिया के अलग अलग देशों तक प्रवाह होता है और दुनिया के अलग अलग देश इस व्यवस्थाओं को लिबरल बनाने का प्रयास करते हैं और पूर्व में जो भी विद्यमान थी बाधाएं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं होती है वैश्विकरण। तो उम्मीद करते हैं कि इन परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण के जो बढ़ने में भी जो है कुछ पॉइंट्स का जो है कुछ कारकों का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इन कारकों में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो कारक विज्ञान और तकनीक के दौर में अगर देखा जाए तो परिवहन एक महत्वपूर्ण जो है कारक रहा है। भाई कहने का मतलब है कि अमेरिका और भारत के बीच में अगर कोई संबंध है तो लोगों के आने जाने की व्यवस्था प्राचीन काल में उतना जो है द्रुत नहीं था, उतना तेजी से नहीं पहुंचा जा सकता था जितना कि जो है तेजी से आज के समय में जो है हम लोग वहां पहुंच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सुविधा जो है परिवहन ने जो है उपलब्ध करवाया है। आज की डेट में फ्लाइट्स हैं और इसके द्वारा जो है ये सिद्ध हुआ है कि पूरी दुनिया का कोई भी स्थान एक दूसरे जगह से जो 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। प्राचीन काल में और मध्य काल में जिस तरीके से लोग समुद्रों में नाव या इस तरीके से जाया करते थे तो उसमें बहुत समय लग जाया करते थे, लेकिन आज के समय में जो है व्यक्ति फ्लाइट के माध्यम से दूरी को बहुत कम समय में जो है कवर कर लेता है। तो परिवहन इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा दूरसंचार, दूरसंचार की जो है तकनीक, दूरसंचार की तकनीक भी उसमें एक महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध करवाता है। कहने का मतलब यह है कि भारत में बैठा हुआ व्यक्ति अगर देखा जाए तो ब्राजील में जो है किसी भी व्यक्ति से टेली कम्युनिकेशन स्थापित कर सकता है। हॉटलाइन स्थापित है राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कि किसी भी प्रकार से उत्पन्न होने वाली असहमति विवाद की स्थिति में या किसी भी क्वेरी की स्थिति में वहां पर बात किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के दूर संचार के जो साधन हैं, अभी दूर संचार में केवल सूचनाएं जाती भी नहीं है बल्कि आज की डेट में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसके माध्यम से जो है स्थापित किए जा रहे हैं। तो परिवहन एवं दूर संचार दो ऐसे कारक हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को जमीन पर उतारने में और इसको बढ़ाने में जो है काफी कुछ सहयोग किया हुआ है। तो ये था फैक्टर जो है कारक। अब ग्लोबलाइजेशन अगर हो गया तो ग्लोबलाइजेशन के जो है क्या जो है फायदे हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, क्या ग्लोबलाइजेशन के जो है लाभ हो सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो है वस्तु और सेवाओं का जो अबाधित ढंग से जो है प्रवाह हो रहा है इसका सबसे जो है फायदा जो है उपभोक्ता वर्ग को भी मिला है, उपभोक्ता वर्ग को मिला। उपभोक्ताओं को जो है वैश्वीकरण के कारण से पूरी दुनिया के अलग अलग जो है औद्योगिक इकाइयों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अत्यंत ही प्रतिस्पर्धी दरों पर उच्च गुणवत्ता के साथ प्राप्त हो रही हैं, यानी कि उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है और प्रतिस्पर्धी दरों का तात्पर्य है कि जब कंपटीशन होगा तो उसका मूल्य कम होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु को अच्छा बनाने का जो प्रयास करता है। तो कहने का मतलब यह है कि उपभोक्ताओं को जो है इससे विकल्प मिला है, उनके पास चॉइसेस बढ़े हैं, प्रतिस्पर्धी दरों पर उच्च गुणवत्ता की चीजें मिल रही हैं। दूसरी तरफ यह है इससे जो है पूंजी ऐसे क्षेत्र और देश में जहां पर जो विकास कम हुआ है वहां पर पूंजी का जो प्रवाह हो रहा है, पूंजी के प्रवाह होने के कारण से वहां पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं। पूंजी के साथ साथ जो है तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी, तकनीक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी भी विकासशील देशों में अगर बात किया जाए तो यहाँ न केवल मानव संसाधन बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से संतुलित और अनुकूलतम ढंग से प्रयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है। हमेशा विकासशील देशों के संदर्भ में भी ये बातें की जाती हैं कि यहाँ पे जो मानव है उन लोगों का अच्छी तरीके से प्रशिक्षण नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ का श्रम जो है अकुशल श्रम की श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है तकनीक का जो है अभाव था और इसके कारण से ग्लोबलाइजेशन के कारण से इसमें सुधार हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिसके कारण से जो है इसमें लाभ की जो है बात देखी जाती है। और एक अगली जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक जो स्वस्थ जो है ये कहा जा सकता है स्वस्थ
आर्थिक संस्कृति का विकास। स्वस्थ आर्थिक संस्कृति, स्वस्थ आर्थिक संस्कृति। संस्कृत का तात्पर्य यह होता है कि किसी भी, अब यहां पे यह संस्कृत किससे जुड़ा हुआ है, आर्थिक से। इसी तरीके राजनीतिक भी संस्कृति होती है, सामाजिक संस्कृति होती है। तो यहां पर आर्थिक संस्कृति की बात की जा रही है कि मतलब आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में वहां के लोगों में किस तरीके की सोच है, किस तरीके की विचारधारा है, किस तरीके की इच्छा है। तो आर्थिक जगत में विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों में, पूंजीपतियों में किस तरीके की आर्थिक सोच, विचारधारा और उद्देश्य है, उन सभी का समुच्चय संस्कृत कहलाता है। चूंकि ये अर्थ की बात करता है इसलिए ये आर्थिक संस्कृति हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आर्थिक संस्कृति होगी वो कैसी होगी, स्वस्थ होगी। मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें अनुकूल होंगी, लोग मेहनत में और अच्छे वस्तुओं के उत्पादन में भरोसा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके लाभ की श्रेणी में जो है आती हैं। अभी इसके कुछ जो है नकारात्मक पहलू भी हैं, इसके कुछ जो है वो नकारात्मक जो है पहलू भी हैं। जैसे छोटे उद्योग, अब कहने का मतलब यह है कि ऐसा देश जो पूंजी को संचित करके बहुत बड़ा घराना उद्योगपति और पूंजीपति बन गया है, उसके पास तकनीक भी है, वो मशीनों के माध्यम से कम समय में न केवल बहुत बड़ी संख्या में जो है वस्तुओं का उत्पादन करता है बल्कि उसकी गुणवत्ता भी सही होती है, वो आकर्षक होती है और कम लागत पर, कम मूल्य पर बिकने के लिए मार्केट में आती है। तो इन्हें जो है वहाँ पे प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो है समस्या कही जा सकती है। तो छोटे उद्योगों के लिए जो है इसमें समस्या है। इसी के साथ में जो है विकासशील देश, विकासशील देशों की, जैसे छोटे उद्योग और बड़े उद्योग की स्थिति है वैसे इसमें विकसित और विकासशील देशों की भी समस्या है। अभी हम आगे के चैप्टर, अभी इसी चैप्टर में लास्ट में हम लोग WTO पढ़ेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विकासशील देश कहीं ना कहीं जो पीछे हैं, और अगर सभी को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो पूंजी और तकनीक के आधार पर विकासशील देशों की स्थिति कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से विकसित और उन्नतशील देशों की अपेक्षा से जो है कमतर और कमजोर पड़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक समस्या बनी हुई है कि विकासशील देशों के समक्ष ये जो है एक समस्या उत्पन्न किया। मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग के भी समक्ष जो समस्याएं हैं क्योंकि इसमें रोजगार की अनिश्चितता की भी स्थिति उत्पन्न हुई है। तकनीक बदलने के कारण से जो है यहाँ छंटनी की भी जो समस्या उत्पन्न हुई है, और वैश्वीकरण के दौर में जो है कोई भी उद्योगपति एक लचीले व्यवहार की अपेक्षा करता है। ऐसी स्थिति में मजदूरों और श्रमिकों, कर्मचारियों की स्थिति कहीं ना कहीं इसमें दुष्प्रभावित हुई है, या ये कहा जाए उनके लिए एक आशंका और भय का माहौल पैदा किया है। तो ये बातें कहीं ना कहीं जो है वैश्वीकरण के संदर्भ में देखी जाती हैं। तो ये बातें रही जो है लाभ के संदर्भ में, ये बातें रही जो है समस्या या चुनौती जो भी कुछ कहा जाए उसके संदर्भ में जो है रही है। अभी इस पर जो है दो संस्थाओं के बारे में जो है, एक तो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है MNCs, दूसरा है MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs। ये दोनों फैक्टर जो है वैश्वीकरण से बहुत ही नजदीक से जुड़े हुए, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेना आवश्यक है। MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसा कि नाम से ही है कि ये बहुत ढेर सारे या ज्यादा संख्या के राष्ट्रों में अपने जो है आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती हैं। तो एक ऐसी जो है इकाई जो दुनिया के अलग अलग देशों में अपने आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती है वो कंपनी जो है MNC कहलाती है। अब इसके दायरे बहुत ही व्यापक हैं, कहीं पर ये वस्तुओं का उत्पादन करती है और वस्तुओं को जो है इन वस्तुओं का उत्पादन करती है और इन वस्तुओं को दुनिया के अलग अलग देशों में जो है निर्यात करती है, वहां पर इसे उपलब्ध करवाती है। कई बार जो है दुनिया के अलग अलग देशों से जो है ये साझा भी कर लेती है,
साझेदारी, छोटी कंपनियों से साझेदारी कर लेती है और उनके साथ मिलकर के काम करती है। कई जगहों पे ये छोटी कंपनियों को जो है खरीद लेती है, जिसको कहा जाता है कि विलय हो जाना। छोटी कंपनियों को जो है ये खरीद लेती है, छोटी कंपनियों को जो है ये खरीद लेती है। कहीं कहीं पर ये जो है उत्पाद को खरीदती है, कहीं कहीं पर ये उत्पाद को खरीद लेती है। अब ये समझ में आता है कि एमएनसी के अंतर्गत जो हमने अभी केवल आर्थिक गतिविधियां कहा, वो आर्थिक गतिविधियां इस रूप में संचालित करती है। और चूंकि वह एक से अधिक राष्ट्रों में इन सारी गतिविधियों को संपन्न करती है, इसलिए ये क्या हो जाती है, एमएनसी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो जाती है। तो ये चीजें जो है समझ में आओगी कि एमएनसी की जो है क्या जो है रोल है। यद्यपि इसका भी जो है उसी तरीके से, चूंकि ग्लोबलाइजेशन का जैसा कि हमने चर्चा किया, उसी तरीके से यहाँ भी जो समस्याएं जो है छोटे उद्योगों के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए जो उत्पन्न होती थी। अब ये WTO है, 1995 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है उदार व्यापार, उदार जो है व्यापार को बढ़ावा देना है। उदार व्यापार को जो है बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी जो है स्थापना की गई है। और यह जो है नियम बनाता है, यह उदार व्यापार के अंतर्गत जो है नियम बनाता है और पूरी दुनिया में मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, मुक्त व्यापार से तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र से है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। एक ओपन मार्केट जैसी स्थिति होती है, पूरी दुनिया से वस्तु और सेवाएं वहां पर आती हैं, यहां से पूरी दुनिया में वस्तु और सेवाएं जाती हैं, उस पर किसी भी प्रकार का जो प्रतिबंध नहीं होता है। उसकी गुणवत्ता, उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर उसके मूल्य का निर्धारण होता है, वो स्थिति कहलाती है मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार के मार्ग में दो बाधाएं आती हैं, एक जो है मात्रात्मक एवं जो है गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक जो है प्रतिबंध। मात्रात्मक एवं जो गुणात्मक जो प्रतिबंध और सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रतिबंध एवं सीमा शुल्क, जो कि मुक्त व्यापार के मार्ग में जो है बाधा है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक का मतलब यह हो गया कि अगर जो है किसी कंपनी का कोई सामान अगर इंडिया में आयात हो रहा है, अगर उसमें मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिया, तो जितनी मात्रा जो है अनुमति होगी केवल उतना ही जो है वो आयात हो सकता है। गुणात्मक प्रतिबंध का मतलब जो है कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं को ही अनुमति दिया जाएगा, जबकि कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। गुणात्मक का तात्पर्य यह हो गया कि अगर मान के चलिए कुछ औषधियां हैं या इसी तरीके से कई भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिन पर जो है प्रतिबंध हो जाएगा, तो तात्पर्य यह है कि वो किसी भी तरीके से नहीं आ सकता, पूरी तरीके से इस पर जो प्रतिबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही जो है प्रतिबंध हो गया है। और विश्व व्यापार संगठन जो है इस बात को जो है और इस प्रकार की व्यवस्था को दूर करने का प्रयास करता। सीमा शुल्क का तात्पर्य यह है कि दुनिया के अलग अलग देशों से बनी हुई वस्तुएं जब देश की सीमा में प्रवेश करेंगी तो वहां पे शुल्क लगाया जाएगा। तो जब शुल्क लगा दिया जाएगा तो वह वस्तु आकर के देश में महंगी हो जाएगी, क्योंकि पहले तो उसकी जो कीमत है उसके अनुसार उसका मूल्य था, लेकिन जब सीमा शुल्क लग गया तो उसका मूल्य बढ़ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों चीजें जो है मुक्त व्यापार के मार्ग में बाधाएं हैं, और विश्व व्यापार संगठन इसी मुक्त व्यापार को स्थापित करने के उद्देश्य से उदार व्यापार के नियमों को बनाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक प्रतिबंध के साथ साथ सीमा शुल्क को समाप्त करके पूरी दुनिया में मुक्त व्यापार को स्थापित करने का प्रयास करता है। यद्यपि इसको लेकर के भी कई प्रकार की समस्याएं पूरी दुनिया में जो है बनी हुई है। विकसित और विकासशील देशों का एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता रहा है कि विकसित देश पहले से ही जो है विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिए हैं, यदि इस तरीके का जो प्रतिबंध हटा लिया जाएगा तो विकासशील देशों में
विकसित देशों के सस्ते बने हुए प्रोडक्ट्स जो पूरी तरीके से जो है भर जाएंगे और यहाँ के अर्थव्यवस्था और उद्योग धंधे तहस नहस हो जाएंगे। इसलिए विकासशील देश इस तरीके की शर्तों को अंधाधुंध या आंख बंद करके अनुपालन करने की स्थिति में नहीं है। तो ये स्थिति WTO और MNCs के संदर्भ में जो आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी इस टॉपिक का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जो संविधान के द्वारा जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी ढांचे की स्थापना करता है। यद्यपि हमारे यहाँ फिर भी आर्थिक गतिविधियों में इस तरीके से उदार जो है नीतियों को अपनाए जाने का प्रयास किया जाता रहा है समय समय पर कि समाजवादी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जो साधन प्रयोग करें वह जो है विकास के उच्च स्तर का होना चाहिए, तभी हम समाजवादी लक्ष्य को, समानता को, गरीबों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं उससे हम पूंजी और धन प्राप्त कर पाएंगे। भारत में एक महत्वपूर्ण डेट है जो कि 1991 है। 1991 में जो है आर्थिक नीति जो है लाई गई, उसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है और यहां से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में यह माना जाता है कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये तीनों शब्द जो है निकल करके सामने आते हैं। तो यहाँ से जो भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में जो लाइसेंस की व्यवस्था थी उसके लिए कुछ निश्चित ही उद्योगों को छोड़ करके बाकी सबको हटा दिया गया कि कोई भी इस तरीके का उद्योग कर सकता है। और यहाँ से भी जो है इस बात की भी तरफ जो है बल दिया गया कि जो व्यापार की जो गतिविधियाँ हैं, व्यापार की जो नीतियाँ हैं उसे भी उदार बनाने का प्रयास किया जाए। तो भारत में जो है अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया 1991 में जो है प्रारंभ होती है और यही से माना जाता है कि भारत जो है वैश्वीकरण के दौर में जो है तेजी से जो है आगे बढ़ना शुरू किया। और ऐसा करने के पीछे भी ये रीजन था कि उस वक्त जो है सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, समाजवादी ढांचा तो पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, पूरी दुनिया विकास के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत था और ऐसी स्थिति में जो भारत को भी जो है उस विकास के दौर में अपने आप को शामिल करना था, अतः उसने भी जो है वैश्वीकरण के दौर में अपने आप को शामिल कर लिया। और ऐसा करने के बाद से जो है भारत की अर्थव्यवस्था भी अगर देखी जाए तो उसकी समृद्धि दर, विकास की दर कहीं ना कहीं जो है बढ़ी हुई नजर आती है। तो इसके कारण से भारत में जो है पूरी दुनिया से जो है उद्योगपति जो है आने लगे। जैसे उसमें हमने पूंजी की बात कही तो यहाँ पे पूंजी भी आया और तकनीक भी जो है आया और यहाँ के जो उद्योगपति थे उनमें भी जो है इस तरीके की जो है भावना जो है आगे आई कि हमें इस तरीके से कंपटीशन करना है जिससे यहाँ पे कई औद्योगिक घराने काफ़ी आगे निकले और अर्थव्यवस्था में स्वस्थ जो है आर्थिक प्रतिस्पर्धा का जो है विकास हुआ। यद्यपि 1990 या उसके आसपास के दशक में जो है देखा जाए तो भारत की राजनीतिक जो है व्यवस्था जो बहुत ही प्रभावित थी या ये कहा जाए राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी, इसलिए हम इस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में यानी कि जो है 2021 में आकर के अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जो है काफ़ी कुछ इस दिशा में अब तक आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि सन 2000 के बाद से इसमें काफ़ी कुछ जो है परिवर्तन हुआ और आज 2021 में हम लोग हैं तो आज ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप को अलग नहीं कर सकता। इसका एक जो उदाहरण है अगर हम COVID-19 को देखें तो इसके फैलने में भी ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वर्तमान समय में पूरी दुनिया के देश जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर चाइना में जो है COVID-19 के वायरस जो है उत्पन्न होते हैं और उसके बाद वो वायरस इटली, यूरोप, इंडिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के देशों में फैल जाती है तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जो इसके कारण से जो है फैला हुआ है। तो भारत में जो है इस तरीके की बातें जो है रही हैं और इसी तरीके से नेगेटिव में जो है छोटे उद्योग, जैसे वहाँ पर हम लोगों ने देखा तो छोटे उद्योगों पर इसका जो है बुरा असर जो पड़ा है, छोटे उद्योगों पर जो बुरा असर जो पड़ा है और यहाँ से जो है मजदूर वर्ग के लिए भी जो है ये समस्याएं आई हुई हैं, मजदूर वर्ग के लिए भी इन्होंने जो है समस्या पैदा किया। तो भारत की अर्थव्यवस्था
यद्यपि ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो है काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। ग्लोबलाइजेशन के कारण से यहाँ समृद्धि विकास दर भी जो है बढ़ी हुई है। यहाँ के कुछ उद्योग धंधे जो है काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। औद्योगिक घराने विकास के उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। पूरी दुनिया से जो है पूंजी तकनीक और जो है यहाँ पे आए हैं, लेकिन उसके कुछ न कुछ जो है समस्याएं भी हैं जिससे निपटने के लिए भारत को जो है प्रयास करना पड़ेगा। तो यह स्थिति जो है कुल मिलाकर के जो है अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के संदर्भ में थी। और भविष्य को अगर देखा जाए तो भविष्य के लिए तीन महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। एक तो जो है विकासशील देश है, दूसरा छोटे उद्योग है, तीसरा जो है मजदूर वर्ग और कर्मचारी हैं। तो वैश्वीकरण के कारण से जो भी लाभ प्राप्त हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर जो महत्वपूर्ण है देश के विकास में जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे उत्पन्न जो आशंकाएं और चिंताएं हैं इसे दूर करने के लिए WTO जैसे संस्था को, जो कि एक समन्वयक संस्था है, एक जो मार्गदर्शक संस्था है, एक नियामक संस्था है, उसको लगातार प्रयास करना होगा ताकि वैश्वीकरण से जो प्राप्त होने वाला लाभ है वो कहीं ऐसा ना करें कि वो विकासशील और मजदूर वर्ग के जो है लोगों को जो है दुष्प्रभावित कर दे, क्योंकि हम वैश्वीकरण के लाभ को तभी जो है महत्वपूर्ण और लाभ मान पाएंगे जब विकासशील देश, मजदूर वर्ग और छोटे उद्योगों को भी जो है विकास के दौर में शामिल किया जाना संभव हो सकेगा। तो आज का टॉपिक जो है केवल वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में था। उम्मीद करता हूँ इसके माध्यम से आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये सब टॉपिक इसलिए भी आपको एक कहानी के रूप में बताया जाता है जिससे आप में एक विचारधारा का जो है उदय हो सके, और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स के आंसर राइटिंग के साथ साथ निबंध को लेकर के होती है वो समस्या जो है दूर किया जा सके। क्योंकि निबंध एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है जिसकी तैयारी जो है कभी भी केवल किताबों से नहीं की जा सकती है, एक दिन में नहीं की जा सकती, फार्मूले से नहीं की जा सकती है। आप इसके बारे में आपको वैश्वीकरण के संदर्भ में एक जानकारी हो गई, अब इस पर आपकी एक स्वस्थ जो है मौलिक चिंतन हो गई कि आप अपनी जो है लेखनी जो है चला सकते हैं इस पे, और जब इस तरीके की क्षमता आपके अंदर आएगी तो आपको निश्चित मानिए कि आप निबंध लिखने की दिशा में बहुत आगे निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर दिशा में ले जाने का जो है दिन प्रतिदिन प्रयास करते रहिए, और अगले टॉपिक में हम पुनः जो है एक नए जो है लेक्चर, एक नए जो है टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।